नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। सवाई माधोपुर निवासी सुलोचना मीना ने हाल ही में IAS परीक्षा उत्तीर्ण कर 415वीं रैंक हासिल किए। सुलोचना के IAS बनने के बाद से ही घर पर बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। सुलोचना के पिता रामकेश मीना रेलवे विभाग में सेक्शन इंजीनियर पद पर कार्यरत है। सुलोचना ने बताया कि उन्होंने बिना कोचिंग के घर पर रहकर पढ़ाई की और नियमित रूप से 10 से 12 घंटे तैयारी में दिए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को सफलता अर्जित करने तक धैर्य रखते हुए निरंतर प्रयासरत रहने के लिए मोटिवेट भी किया। जयपुर सांसद रायचरण बोरा, रेलवे भर्ती बोर्ड के संयुक्त सचिव PS मीना व विप्र संवाद के राष्ट्रीय संयोजक मनोज पाराशर सहित कई लोगों ने सुलोचना को IAS में चयनित होने पर शुभकामनाएं प्रेषित की। इस वक्त हमारे साथ है सुलोचना मीना जी, जिन्होंने IAS की परीक्षा में 415वीं रैंक प्राप्त करके मध्यपुर जिले का नाम रोशन किया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सुलोचना जी, आपने किस तरह से कितने घंटे तैयारी करके IAS में 415वीं रैंक प्राप्त किए? मैंने घंटे के ही ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था। जो मुझे नहीं समझ में आता था उसके लिए मैंने यूट्यूब जैसे चैनल्स का भी इस्तेमाल किया और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहा। ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने। और जनरली तो 8 to 9 आवर्स होते थे और एग्जाम टाइम पे 11 से 12 घंटे तक पहुँचा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आप उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहोगी? जो भी बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि अगर आप कॉलेज टाइम में आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आप उस टाइम पे भी आपने डिसाइड कर लिया तो उसकी तैयारी में आप जुट सकते हैं, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। दूसरी बात की जो IAS एग्जाम्स होती है इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, आपको एक साल तो उसको कम्प्लीट करने में लगता है, तो उस टाइम पेशेंस रखना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो किसी यूट्यूब चैनल पर आप गूगल करके देख लीजिए या यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप 2-3 बार देखेंगे चीज़ को। और फिर ये है कि एग्जाम भी इसका पूरा 1 साल का टाइम लेता है तो आपको पेशेंस रखना है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है, कई बार हम एक स्टेज क्लियर कर लेते हैं दूसरा नहीं कर पाते, तो आपको पेशेंस नहीं खोना है। जो बच्चे इंटरव्यू तक आ जाते हैं फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग है वो, लेकिन आपको पता है कि आप इक्वली टैलेंटेड हैं तो दोबारा से उसी एनर्जी के साथ आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए। और श्योरली अगर जो हार्डवर्क करता है, जो मेहनत करते हैं, तो उनको सक्सेस मिल ही जाती है।